मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रेमी ने शादी करने से मना किया तो प्रेमिका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मामला है पुणे से सटे चिंचवड़ का, जहां वैशाली नामक युवती से प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे युवती मानसिक तनाव में रहने लगी। दरअसल विराज और वैशाली दोनों एक ही मॉल में काम करते थे। काम के दौरान इनमें दोस्ती हुई और फिर प्यार, मगर वैशाली विराज से शादी करने की बात की, मगर विराज ने शादी से मना कर दिया, जिससे युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। इसी वजह से युवती ने एक भयानक कदम उठाया और जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस थाने में धारा 306 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी विराज गुलाब दराड़े नामक का ये आरोपी है, जिसने वो वैशाली राजू गौड़ी इससे प्यार का नाटक किया है। वो दोनों एक मॉल में काम करते थे, काम करते समय उनकी जान पहचान हो गई, उसका रूपांतर बाद में प्यार में हो गया। शादी करने का दोनों ने वादा किया एक आपस में, फिर वो जो प्रियकर जो विराज है वो प्रेमिका वैशाली को बात करना टालता था, उसका फ़ोन नहीं उठाता था और उसे संपर्क नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो वैशाली डिप्रेशन में आ गई और उसको मालूम पड़ा कि अपने से दूर जा रहा है, तो उसमें डिप्रेशन में आके ये जहरीली दवा खा के आत्महत्या कर ली। फिलहाल पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने आरोपी विराज पर 306 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे मामले की जांच जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।